दुनिया की महाशक्ति बनने का सपना देख रहे चीन की आर्थिक हालत पतली हो गई है। वहां के सीमा शुल्क विभाग की ओर से जारी आंकड़ों की माने तो चीन की अर्थव्यवस्था लगातार रसातल में जा रही है। चीन के आयात और निर्यात के आंकड़े अप्रत्याशित रूप से घटे हैं। चीन से बाहर जाने वाले शिपमेंट्स में पिछले महीने एक साल पहले की तुलना में 7.5% की गिरावट आई है। ये पिछले साल अगस्त के बाद शिपमेंट्स में आई सबसे बड़ी गिरावट है। एक टाइम ये था कि जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कोई भी कशीदगी होती थी तो पाकिस्तानी पब्लिक को ये तसल्ली दी जाती थी कि घबराने की जरूरत नहीं है, इंडिया क्या चीज है, हमारे साथ तो हमारा मजबूत फ्रेंड आयरन फ्रेंड चाइना खड़ा है। लेकिन अब आज की खबर ये है कि चाइना की जो गवर्नमेंट है वो इंडियन गवर्नमेंट से, मोदी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करती नजर आ रही है कि अपने इन्वेस्टर्स को चाइना में भेजें। कहा जाता है अब इस चीज की तो समझ आ गई कि पाकिस्तान चाइनीज ब्लॉक में चला गया और इंडियन जो है वो अमेरिकन ब्लॉक में चला गया। लेकिन द वे इंडिया हैज कैप्ट इट्स ऑटोनॉमी बिकॉज उसके पास चॉइसेस आते हैं, बिकॉज उनके पास फॉरेन पॉलिसी कि फैसले करने की चॉइसेस ज्यादा, बिकॉज दे हैव फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। जब फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होगी तो फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस होंगे ना, आप मेंटेन कर सकते हैं। चाइना के एम्बेसडर ने अभी हाल में बोला कि इंडिया और चाइना के जो टाइज हैं वो क्रूशियल फेज पे आ चुके हैं, मतलब एक ऐसे फेज पे आ चुके हैं कि दोनों के रिश्ते अब सुधरने वाले हैं। हालांकि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर कुछ अलग ही लैंग्वेज बोलते हैं कि जब तक ये फोर्सेस वापस नहीं जाएंगी और जब तक बॉर्डर ठीक नहीं होगा तब तक हम नहीं मानेंगे इसे न्यूट्रल, या हम ये नहीं मानेंगे कि दोनों के रिलेशंस बेटर हो गए। तो क्या हो गया कि क्या चाइना को समझ आ गई कि भाई इंडिया के साथ बिगाड़ कर मजीद हम डेवलप नहीं कर सकते? अगर डेवलपमेंट करनी है तो दुनिया की अगर 1/3 आबादी, 1/3 डेवलपमेंट कंट्री, दुनिया की पांचवी बड़ी मईशत का साथ होना बहुत जरूरी है। क्या ये चीजें समझ आएगी चाइना को? जय हिंद दोस्तों, चीन ने भारत से रिक्वेस्ट की है चीनी वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से कि भारत और चाइना के बीच जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो और बढ़ सकता है, इसके लिए भारत को ये परमिशन देने चाहिए कि भारतीय इन्वेस्टर्स वो चाइना में आके इन्वेस्ट करें, हैवी इन्वेस्टमेंट करें, और चाइनीज़ जो इन्वेस्टर है वो भी भारत में आ सके। दोस्तों अभी तक का रूल ये है कि चाइनीज़ इन्वेस्टर आके भारत में पैसा नहीं लगा सकते, सामान तो अपना सेल कर सकते हैं, फ़ोन हो गया ये सब चाइनीज़ आइटम तो बिकी रही, लेकिन भारत में आके अपना चाइनीज़ खरीद नहीं सकते, ओनरशिप नहीं ले सकते। इसी तरीके से भारतीय इन्वेस्टर भी चाइना नहीं जा सकते, मतलब जाने को तो जा सकते हैं लेकिन वहाँ इन्वेस्ट डायरेक्टली नहीं कर सकते, अपना सामान बस बेच सकते हैं, इतना रूल है। चाइना बोल रहा है कि भाई हम दोनों दुनिया की मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री में से एक हैं, सो अगर ऐसा करते हैं हम लोग तो दोनों के लिए ये फ़ायदा होगा, लेकिन भारत ने अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं दिया, एक भी शब्द भारत ने नहीं बोला। भारत का सिंपल कहना है जब तक LAC पे 100% विवाद ख़त्म नहीं हो जाते भारत ऐसा कोई स्टेप नहीं लेने वाला। टाइम ये था कि जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कोई भी कशीदगी होती थी तो पाकिस्तानी पब्लिक को ये तसल्ली दी जाती थी कि घबराने की जरूरत नहीं है, इंडिया क्या चीज है, हमारे साथ तो हमारा मजबूत फ्रेंड आयरन फ्रेंड चाइना खड़ा है। लेकिन अब आज की खबर ये है कि चाइना की जो गवर्नमेंट है वो इंडियन गवर्नमेंट से, मोदी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करती नजर आ रही है कि अपने इन्वेस्टर्स को चाइना में भेजें। अगर चाइना जैसा कंट्री इंडिया के सामने घुटने टेक सकता है तो क्या पाकिस्तानी पब्लिक से ये पूछेंगे हमें क्या इससे सबक सीखना चाहिए, हमें अपने रिलेशन बेहतर करने चाहिए या किसी के कहने पर हमें अभी भी जंग का माहौल रखना चाहिए? चाइना की अगर बात करें, इंडिया और पाकिस्तान की जो दुश्मनी है उसमें कौन सा कंट्री है जो हमें बिल्कुल ओपनली सपोर्ट कर रहा है? देखें, जो हमें लगता है पाकिस्तानियों को लगता है कि यार ये हमारे साथ खड़ा है, बजाहर पाकिस्तानियों को तो लगता है कि चाइना खड़ा है इंडिया के मुखालिफ, हमारे साथ इंडिया के अगेंस्ट खड़ा है। हाँ जी, अगेंस्ट खड़ा है। लेकिन अब खबर ये है कि चाइना ने खुद जो वो वेलकम करना चाह रहा है, चाइना ने रिक्वेस्ट की है ओपनली, अगर मैं कहूँ कि भाई इंडिया के जो बिजनेसमैन है वो चाइना में आके अपना बिजनेस को बेहतर करें। कुछ टाइम पहले की खबर ये है कि भाई कुछ टाइम पहले 4 ऐसे पॉइंट से इंडिया और चाइना के बॉर्डर, 4 ऐसे पॉइंट से चाइना ने अपनी पोस्टों से अपनी आर्मी को हटा ली है। क्या कहना चाहेंगे, खुद वो रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, खुद वो इंडियन इन्वेस्टर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि चाइना में आके इन्वेस्टमेंट करें, हमें इधर लड़ा रहे हैं? मेरी बात सुने, हर मुल्क की जो पॉलिसी होती है ना वो उसके अपने मफाद के लिए, बेहतरी के लिए होती है। तो पाकिस्तान की भी पॉलिसी जो ऐसी है जिससे चाइना डिसाइड हो रहा है,
नहीं, चाइना तो हमारा आयरन फ्रेंड है, हम कैसे उसे सारी मार्केट इधर जितना भी अगर कैमरामैन कैमरा घुमाए मोस्टली चीजें मोस्टली प्रोडक्ट्स जूतों से लेके कपड़े कपड़ों से लेके मोबाइल मोबाइल से लेके हमारे बाइक्स गाड़ियां हर चीज चाइना से आ रही है। हम उसके उसकी वजूहत ये है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है ना वो तबाहो बर्बाद हो चुकी है, ठीक है। चाइना नजदीक है, कैरेज कम पड़ती है, ठीक है, कैरेज कम पड़ती है, इसलिए वो यहाँ पे ज्यादा मोस्टली आपको नजर आती है, ठीक है, ठीक है। उसकी वजूहत ये नहीं है कि हम मोहब्बत से लेने जा रहे हैं। अच्छा, हर ताजर ये देखता है कि भाई आवाम को इस महंगाई के दौर में रिलीफ कहाँ से मिलेगा। तो फिर चाइना की अगर बात करें उससे नजदीक तो इंडिया का बॉर्डर है, फिर हम इंडिया से ले रहे हैं। इंडिया हमारा दुश्मन है। तो दुश्मन बनाया ये डिक्लेयर किसने कर दिया कि दुश्मन है? दुश्मन वही तो मैं कह रहा हूँ कि चाइना इंडिया भी तो दुश्मन थे। उस वक्त चाइना का कोई करतार नहीं था, जब से दुश्मनी चल रही है, जब से ये दुश्मनी चल रही है पाकिस्तान की, ठीक है सर। मेरा पॉइंट भी यही है ना कि हम इंडिया पाकिस्तान दुश्मन, चाइना इंडिया दुश्मन, ऐसा है कि नहीं? लेकिन चाइना की बजाहर किसी से दुश्मनी नहीं है, ठीक है, उसकी एक अपनी पॉलिसी है, वो अपनी पॉलिसी के तहत हर मुल्क से डील करता है, ठीक है, ठीक है। आप ये बात करते हैं कि दुश्मनी की, सबसे ज्यादा दुश्मनी तो ईरान ने हमारे साथ निभाई हुई है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, वो हमारा सलामी मुल्क है, ठीक है। अफगानिस्तान है, आजकल अफगानिस्तान के साथ हमने क्या नहीं किया, ठीक है, उनको गले लगाया, अपने पेट से काट के, अपने बच्चों का पेट से काट के उनको खिलाया, लेकिन उनके नाम पे डॉलर भी तो लिए ना, फिर अगर सच बात बोले तो उनके नाम पे डॉलर लिए कि नहीं? अच्छा, अब यानी कि जो चीजें समझने की हैं वो ये हैं कि इनफैक्ट जो चीज समझ आ रही है कि दुनिया कहती है कि चीन से दूर हो जाओ, सप्लाई चेन जो है वो मैकेनिज्म बदल दो। अच्छा, जब चाइना इंडिया को कहता था कि आओ हमारे साथ BRI का हिस्सा बनो तो इंडिया नहीं बनता था, देख रहे हैं आप। सो अगर तो अच्छा वैसे देखा जाए तो इंडिया चाइना का हिस्सा नहीं है BRI में, किसी कॉरिडोर में इंडिया ने चाइना के इस BRI की, CPAC की और इनकी मुखालफत की, क्योंकि उनको पता था कि इसमें अगर वो हिस्सा बन जाए तो वो तो दे विल बी प्लेइंग नंबर टू, वो होगा ना कि वो चाइना के अंडर काम करेंगे अगर BRI, जो चाइनीज बताएंगे वो करते जाएंगे। सो इंडिया कैप्ड इट्स ऑटोनॉमी, ये है दोस्तों वो जो चीज जिसको मैं कहता हूं सेमी पेरिफेरी, मींस कि इंडिया इज नो मोर डिपेंडेंट ऑन द सेंटर, इंडिया इज नो मोर डिपेंडेंट ऑन बीजिंग, वॉशिंगटन, पेरिस, लंडन एंड मॉस्को, अब इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है द वे पाकिस्तान इज डिपेंडेंट अनफॉर्चुनेटली। सो वो क्या करते हैं, वो अपनी मर्जी के फैसले करते हैं, वो बीजिंग से डिक्टेशन नहीं लेंगे, वो वॉशिंगटन के पास जाएंगे, वॉशिंगटन का B3W का हिस्सा बने और साथ में उन्होंने फिर वहां पर अपनी एक जो है वो कम्युनिटी डेवलप कर ली। इसराइल भी उनको सूट करता है, उनको बाकी ममालक भी सारे यूरोपियन इसमें सूट करते हैं। सो इंडिया हैज गॉन कंप्लीटली इनटू द वेस्टर्न ब्लॉक व्हेन इट कम्स टू द पॉलिटिकल लैंडस्केप के ऊपर जो चेंजेस है, बट व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमी इंडिया हैज कैप्ट इट्स इकोनॉमिक जो डिपेंडेंस ऑन चाइना वो रखी हुई है उन्होंने, बिकॉज उनको पता है कि आज अगर इंडिया चाइना से वो सारी की सारी बायलैटरल बिजनेसेस बंद कर दे तो इट विल बी अ कोलैप्स, चीजें कर जाएंगे इंडिया के अंदर, बिकॉज बहुत सारा प्रोजेक्ट पैसा आता है वहां, बहुत सारी रॉ मटेरियल आता है, बहुत सारी चीजें आती हैं जिससे इंडियन इकोनॉमी डिपेंडेंट है उसके ऊपर, और वो एक बड़ी बिजनेस कर रहे हैं दोनों ममालिक अराउंड 80-90 बिलियन डॉलर। बट एनी हो, अब इंडिया के वजीर आजम कहते हैं जी कि हम क्लाइमेट रेजिलियंस की बात करेंगे, गो के इंडिया को, इंडिया नीड्स अ लॉट ऑफ टाइम, ये वर्ड्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, क्लाइमेट रेजिलियंस, ठीक है जी, इनकॉर्पोरेटिंग ट्रेडिशनल नॉलेज, हम ट्रेडिशनल नॉलेज, अब जो ट्रेडिशनल नॉलेज क्या होगा, जारी बात है कि वो नरेंद्र मोदी कहते होंगे जो हमारे लोकल जो जुगाड़ है, हम हमारी जुबान में शायद इंडिया में भी ज्यादा ये बोला जाता है, पाकिस्तान बोला जाता है, जुगाड़ जो जुगाड़ प्रोग्राम है वो हम क्लाइमेट चेंज में लेके आएंगे, ठीक है जी, और जो गरीब लोग हैं उनको प्रायोरिटाइज करेंगे, उनकी उनकी वैल्यू देंगे और सस्टेनेबल जो है वो मेथड्स अडॉप्ट करेंगे और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी की बातें, बहरहाल दिस इज ऑल गुड, लेकिन ये चीज तो आज तय हो गई और पता चल गया कि इंडिया ने अमेरिकन ब्लॉक को ज्वाइन कर लिया, अब अमेरिकन ब्लॉक को भी ज्वाइन कर लिया है, साथ उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस भी बरकरार रखी है, जो ये दैट इज व्हाई वी आर इन द पेरिफेरी, वी आर कॉन्स्टेंटली डिपेंडेंट ऑन लंडन, ऑन वॉशिंगटन, इनके ऊपर एंड बीजिंग, ठीक है जी,
बेशक आप मॉस्को एंड पेरिस को साइडलाइन पे कर दे, लेकिन वी आर डिपेंडेंट ऑन लंडन, बीजिंग एंड वॉशिंगटन के ऊपर हम डिपेंडेंट हैं। इंडिया ने अपनी चॉइसेस जो है वो खुली रखी हुई है, सो दैट इज व्हाई इट रिफ्लेक्ट्स इट्स पॉलिसी ऑन कश्मीर।